अब हम बात कर रहे हैं एरीज मेष राशि वालों के लिए दिसंबर 2021 का राशिफल है, और जैसा कि हमने आपके लिए यहाँ पर कैप्शन लिखा है, अब पैचअप होगा टूटे हुए रिलेशनशिप में। ये आपके लिए जाने वाले इस 2021 का एक गिफ्ट है, एक ये मान के चल लीजिए। और इसी राशिफल में हम बात करेंगे आपके हेल्थ, एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, लव, मैरिज, फ्रेंडशिप, फैमिली, ट्रेवल, और अंत में कैप्शन पर जरूर आएंगे। ये जानना भी जरूरी है किन के साथ में पैचअप होने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। और साथ में जो है, क्योंकि ये आखिरी राशिफल है इस साल का, अगला जो राशिफल आएगा वो जनवरी 2022 का होगा, जो हम दिसंबर के महीने में पोस्ट करेंगे। तो आपके लिए हम इसमें, क्योंकि ये आप कुछ हम में से, आप में से कुछ इसको शायद दिसंबर के एंड में देखें, तो उनके लिए हैप्पी न्यू ईयर, अगले आने वाले साल की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। तो शुरू करते हैं हम हेल्थ के सेक्शन से। हेल्थ जो है वो आपकी बढ़िया रहेगी इस बार, और छोटी मोटी जो परेशानियां जो आपकी चली भी आ रही थी वो भी आपको दिक्कत नहीं देंगी। आपका मूड खुश रहेगा, आप दिमागी तौर पर फ्रेश रहेंगे आप बिल्कुल तौर पर। और जो आप एक्सरसाइज वगैरह करने कर रहे थे वो जारी रखिए, और अगर आप कोई एडवेंचर, टूर, ट्रैवल, बर्फ़ देखने जाना है या कुछ और, कुछ पहाड़ों में जाना है या दोस्तों के साथ में कहीं पर जाना है, थोड़ा सा देखभाल करके जाइए, है ना, कहीं कोई चोट फीट ना लगे आपको, थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में एजुकेशन। अब भाई हमारे जो मेष राशि के जो मित्र हैं वो ये सोचते हैं कि यार पढ़ाई लिखाई उतनी ज़रूरी है सिर्फ जितने से पास हुआ जाए। अब भाई देखो, पढ़ाई लिखाई की महत्ता कम नहीं हो जाती, आपको पूरी तरीके से पढ़ाई पर ध्यान तो देना ही चाहिए। हालांकि दिसंबर का महीना आप ये मान के चलेंगे कि 15 तारीख के बाद में आपका ध्यान जो है पढ़ाई से थोड़ा सा हटेगा, और आपको जो है ये थोड़ा सा मतलब अजीब सी स्थिति में डालेगा, इसमें आपकी पढ़ाई लिखाई जो है वो थोड़ी सी उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। लेकिन थोड़ा अगर देखिए भाई, पढ़ाई लिखाई का महत्व जो है वो अपनी जगह पर है, उसको नेगेटिव करना उसको ठीक नहीं है, उसको नेगेट करना ठीक नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई पर अपना फोकस लेकर के आप आ जाएंगे, 10-15 तारीख तक ही फोकस रहेगा, उसके बाद में फिर आप न्यू ईयर वाले सेलिब्रेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर पढ़ाई का। अब हम बात करते हैं करियर, क्या भाई करियर पर क्या होने जा रहा है आपके। इसमें करियर पे जो है भाई, ऐसा लग रहा है कि देखो 15 दिसंबर के बाद में या 20 दिसंबर के बाद में काफ़ी सारी कंपनीज के अंदर डाटा फ्रीज हो जाता है, जहाँ पर उसके बाद कोई काम नहीं होता अगले जो है 4 जनवरी तक या 5 जनवरी तक, कुछ कुछ जगहों पे 15 जनवरी तक भी काम शुरू होता है। तो करियर के फ्रंट पर अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो नवंबर का महीना सबसे अच्छा महीना माना जाता है जॉब ढूंढने के लिए। उसका कारण ये है कि बहुत सारे कंपनीज में जो बजट होता है उसको वो दिसंबर के पहले पहले पूरा कर लेना चाहते हैं। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो 15 दिसंबर से लेके और 15 जनवरी तक का जो पीरियड है, शायद ही आपको कोई रिस्पॉन्ड करे, केवल आपको वही रिस्पॉन्ड करेंगे जिनके पास में बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगी। तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए आप इस चीज़ का। अगर आप करियर में, अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा 15 दिसंबर के बाद। इस पे टूर ट्रैवल और होटलिंग इंडस्ट्री को छोड़ के, और बाकी का जो है ये तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा ही चलेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो है चीज़ें काफ़ी हद तक जो है ठीक ठाक होने की उम्मीद है करियर में। बस चिंता ना करें, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं इस पे आपके लिए फाइनेंस की, कि रुपये पैसे का सीन कैसा है। रुपए पैसे का सीन जो है वो बहुत ही बढ़िया है इस बार, और जो है हालांकि वर्किंग डेज कम होते हुए भी इस महीने में आपको रुपए पैसे का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आप जो भी आपके फाइनेंशियल टारगेट्स हैं उनको आप अवश्य पूरा करेंगे, और आपके दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में आप खूब मस्ती भी करने वाले हैं। तो फाइनेंस की जो स्थिति है वो बिल्कुल बहुत बढ़िया है। हो सकता है आपके दिमाग में कोई नया स्टार्टअप शुरू करने का प्लान भी चल रहा हो, अगर आप उसके लिए अगर आप कोई फाइनेंशियर्स ढूंढ रहे हैं तो आपको ज़रूर मिलेंगे, आपको पार्टनर भी मिल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हम आपके लिए आपके लव के सेक्शन की, कि भाई प्यार मोहब्बत में क्या हो रहा है। हमारे जो
मेष राशि के लोग हैं वो प्यार में बड़े चंचल होते हैं। उनको ऐसे लोग पसंद आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। उनको रिलेशनशिप में रोना धोना बिल्कुल नहीं चाहिए, और वो ऐसे लोग चाहते हैं जो कि फ़न लिविंग हो, ह्यूमरस हो और उन पे ध्यान दे सकें। थोड़ा सा अटेंशन चाहते हैं मेष राशि वाले। वो कभी ग्रो नहीं होते, कभी जो है उनकी उम्र नहीं बढ़ती, ना ही जो है वो बॉडी पे उनकी उम्र दिखती है, और मेंटली तो वो बिल्कुल हमेशा जवान रहते ही रहते हैं। और वो साथी भी ऐसा ही चाहते हैं कि जो उनको जवान महसूस कराए। तो भाई ये जो है इस बार का ये जो हिसाब किताब है दिसंबर के महीने में, आपको ऐसे साथी मिलेंगे भी, और हो सकता है अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके पार्टनर भी जो है आपके लिए कुछ ना कुछ तो खास करने वाले हैं। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है और अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आपने यकीनी तौर पर एक ऐसा पार्टनर ढूंढना होगा जो ह्यूमरस है और आपका ख्याल रखता है, ठीक है। और जो जिन लोगों की कोई शादी वगैरह नहीं हुई है, सिंगल हैं, उनको इस महीना जो है 25-26 के बाद में किसी सोशल गैदरिंग में जो है किसी से मुलाकात हो सकती है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड उम्मीद है आपको पार्टनर मिलेगा इस बार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लिए आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की, कि शादीशुदा लाइफ में क्या हो रहा है। सबसे पहली बात तो यह कि कोई झगड़ा नहीं हो रहा, कोई लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन इसके साथ में लंबी लंबी डिंगे भी हाँकना जो है वो बहुत बेकार बात होगी, ठीक है। स्पेशली अपने पार्टनर के बारे में कोई भी लंबी लंबी डिंगे ना आके, कोई भी लंबे लंबे ऐसे छोड़े, कोई भी वायदे ना करें जिनको आप पूरा ना कर सकते हो। आप बिल्कुल वो वाले वायदे करें जिनको आप पूरा कर सकते हो। हालांकि आपका चंचलपना या आपका जो है एक ह्यूमरस नेचर, वो भी आपको थोड़ा सा इन मामलों में एलिवेट करेगा। दूसरी चीज़ रही बात ये कि यहाँ पर जो है शादी तो आपकी बहुत बढ़िया चलेगी, साथ में कुछ फैमिली एक्सपेंशन की भी बातचीत चल सकती है घर के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया है, और अपने परिवार के सीक्रेट बिल्कुल अपने तक ही रखें, किसी से शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंडशिप, ठीक है, यारी दोस्ती का जो हिसाब किताब है वो अचानक से आपको लगेगा कि भाई अब जो है 15-20 तारीख जैसी आएगी कि भैया अब जो है यार दोस्तों के साथ में कोई प्रोग्राम बनाया जाए या कुछ ना कुछ उनसे मिलने का प्रोग्राम बनाया जाए। अगर आप ऐसे सेटिंग में रहते हैं जहाँ पर एडवेंचर पॉसिबल नहीं है और जहाँ पर आप कहीं दूर नहीं जा सकते, तो अपने मित्रों से मिलने का प्रोग्राम आप ज़रूर बनाएंगे 15 तारीख के बाद में कि भाई बहुत दिन हो गए, चलो हैप्पी न्यू ईयर विश कर दिया जाए इनको। नेक्स्ट है हमारे पास में फैमिली, परिवार। अब परिवार से क्या सिचुएशन है, परिवार से मेष राशि वालों को प्यार, परिवार में प्यार सभी का मिलता है। घर में छोटे होते हैं चाचा ताऊ मामा मामी फूफा फूफी बुआ, इन सब का जो है उनको स्नेह खूब मिलता है, और ये स्नेह और ये प्रेम आपको इस महीना भी खूब मिल रहा है, ठीक है। परिवार में कोई भी जो है किसी भी तरह का संकट नहीं है, परिवार के पास पैसा है, आप उनकी मदद भी कर पाएंगे और लोग जो है आपकी सराहना भी करेंगे, ये तो बात है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लिए आपके ट्रैवल की, कि भाई यात्राओं के विषय में क्या होने जा रहा है। तो यात्राओं के विषय में कुछ भाई देखो, यात्राएं तो होंगी, लेकिन यात्राओं के विषय में जो है बड़ा सोच समझ के यात्राएं कीजिएगा। कई बार की प्लानिंग करने के बाद बिल्कुल जब क्लियर हो कि हाँ भाई ये जगह सेफ है, सिक्योर है और यहाँ पर जाना बिल्कुल ठीक रहेगा, तो ही ट्रैवल करें, ठीक है। और नहीं तो जो है प्लान को थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, अपना रीएडजस्टमेंट करें और रीप्लानिंग करें, रीकॉन्फ़िगरेशन करें, जो भी आपको एडजस्टमेंट करना है वो आप करें। अब हम बात करेंगे इस कैप्शन की कि अब पैचअप होगा टूटे हुए रिलेशनशिप में। तो भाई मेष राशि वाले ये चाहते हैं कि यार उन्होंने रिलेशनशिप्स में बहुत सारे एडजस्टमेंट किए हैं, और इतने एडजस्टमेंट शायद ही किसी ने किए हों जितने एडजस्टमेंट वो करते हैं, और ये दिसंबर के महीने में भी जो है वो एडजस्टमेंट तो कर ही रहे हैं, राइट। एडजस्टमेंट तो उनका हो ही रहा है, और वो जो है कोई भी एक ऐसे रिस्क में नहीं फंसना चाहते जहाँ पर उनको दिक्कत हो, लेकिन यहाँ पर एक पुरानी कोई टीस चली आ रही है जिसमें पैचअप की उनकी संभावना लगती है कि पैचअप होना चाहिए। तो भाई सुनो भाई मेष राशि वालों, आपको मैं दोनों तरफ से बताता हूँ। अगर आप मेष राशि के पुरुष हैं तो ये सबसे पहले आपके लिए है, आपका पैचअप इन से होने की संभावना है। नंबर वन मेष राशि वालों का, टॉरस वृषभ राशि वालों का, वृषभ राशि वालों के साथ में, सिंह राशि वालों के साथ में, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के साथ में, धनु सेजिटेरियस के साथ में, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न,
इनके साथ में आपका पैचअप होने की संभावना पूरी पूरी है अगर आप मेष राशि के पुरुष हैं, और अगर आप मेष राशि की महिला हैं तो आपके लिए ये है। सबसे पहले मेष राशि वालों के साथ में, फिर मेष जो है वो टॉरस वृषभ राशि वालों के साथ, एंड देन लियो सिंह राशि वालों के साथ में, और फिर जो है धनु राशि वालों के साथ में, और फिर जो है धनु यानी कि सजिटेरियस, और उसके बाद में आपके जो परम मित्र हैं जिनको आप लाइक भी करते हो वो हैं कुंभ राशि के लोग। इनके साथ में आपके पैचअप होने की संभावना है अगर आप मेष राशि की महिला हैं। मेष राशि के पुरुषों के लिए मैं पहले बता ही चुका हूँ कि इनके साथ में पैचअप होने की पूरी पूरी संभावना बिल्कुल लग रही है इस बार। अगर इनमें से कोई है तो पैचअप हो जाएगा, और अगर इनमें से कोई नहीं है तो देखिए वैलेंटाइंस डे तक क्या होता है, कुछ ना कुछ पैचअप होगा या बातचीत होगी, कुछ ना कुछ चीज़ें आने की, चीज़ें ठीक ठाक होने की संभावना पूरी पूरी है। तो भाई अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड, एंड गॉड ब्लेस यू।